हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आफ्टरनून से मैंने आज थोड़ा सा पहले से ही चालू किया था, तो मैं दिखाऊंगी सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग मेरा पुराना है वो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। मैं हूँ झुमा, झुमा के चैनल में आपको सबको स्वागत है। तो चलिए, आज देख पा रहे होंगे मेरे बाल थोड़ा सा अलग, तो मैं ये किस तरह से किया ये देखना है। तो थोड़ा सा पीछे जाना, मतलब आगे जाना होगा देखने के लिए, तो मैं क्या क्या लगाई हूँ, कैसे लगाई हूँ। तो आप लोग जब तक देख लो, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ये मैंने एक ऑनियन ले लिया, तो इसको छिलका निकाल दिया था, तो थोड़ा सा गंदा रह गया, तो इसको साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करके तो ये ऑनियन, मतलब प्याज, और ये एलोवेरा रखा है मैंने, छत पे से लेके आई हूँ। एलोवेरा काट के साफ़ करके निकाल के रख दिया। यहाँ पे मैंने चाय भिगा दिया था, वो चाय है। तो और यहाँ पे लिया है मैंने खट्टा वाला दही, तो ये खट्टा वाला दही और पियर दही है। तो ये पानी नहीं है बिल्कुल भी इसमें। तो अब मैं पहले प्याज को मिक्सी में डाल के इसको निकाल लेती हूँ। तो ये प्याज काट के इसको मिक्सी में, जब मैं इसमें भी एलोवेरा डाल दिया सारा जितना देना था, एलोवेरा भी मिक्सी में पीस जाएगी अच्छी तरह बिल्कुल, तो क्योंकि फिर ना ये थोड़ा सा झाग झाग सा भी होगा, अच्छा होगा लगाने के लिए। तो पहले इसको पीस लेते हैं। तो ये मिक्सी इसको पीस के ले लिया मैंने बहुत बारीक करके। तो ये देखो प्याज को मैंने इतना मतलब किया कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कम करके रस निकाल के इससे भी निकाल सकता है, तो निकाल के प्याज का रस लगा सकते हो, और चाहो तो आप प्याज का पूरा ही लगा सकते हो। पर मैं तो पूरा ही लगा रही हूँ, प्याज का रस नहीं खाली, तो पूरा ही लगा रही हूँ। इसमें मैं दही ऐड कर दे रही हूँ, पूरा दही ऐड कर दूंगी। और दही से, प्याज से तो ये होता है कि बाल मतलब अच्छा हो जाएगा, जैसे आने लगेगा जो छोटा। और ये चाय थोड़ा सा छान दिया मैंने, चाय को मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है, थोड़ा सा ये कलर की चेंजिंग के लिए मैंने डाला। और दही बाल को हमारी सिल्क करेगा, अच्छा करेगा, तो इसीलिए मैंने ये डाला। और एलोवेरा, एलोवेरा तो अच्छा ही करता है। तो चलो ये तो हो गया मिक्स, तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, कलर और अच्छा आ जाएगा। तो ये तो पियर चाय पत्ते का कलर है, ये कोई वैसे कलर है नहीं कि हम, मेरा बाल तो आप देख सकते हो ब्लैक तो होता नहीं है, मेरा ब्राउन ही अच्छा लगता है, तो ये मेरा बाल भी ब्राउन ही है। तो मैं चाय पत्ती डाल के करती हूँ तो ब्राउन। तो अब मैंने लेके आई, क्योंकि मैंने अभी डाइनिंग टेबल पर बैठी हूँ, क्योंकि और कहीं पर हो नहीं रहा था, तो मैंने अभी लगा रही हूँ। देखो इसका जड़ में भी लगाऊंगी और इसके बाल में भी लगाऊंगी। तो जितना हो सकते पहले मैं बालों का जड़ में लगा के उसके बाद बाल में लगाऊंगी। तो इस तरह से लगाऊंगी, लगा के इसको आधा घंटा के लिए कपड़े से बांध दूंगी, मतलब कपड़े से बिल्कुल होकर ढक के, क्योंकि प्याज का रस है ना, तो ये थोड़ा सा आँख में भी वो हो सकता है। तो जितना हो सकते मैं ना ब्रश से नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं इस तरह से हाथ से ही लगा रही हूँ। और मैं बाल में ऐसे लगाऊंगी और लगा के कपड़े से इसको ढक दूंगी। तो चलिए पहले लगा लेते हैं बाल में अच्छी तरह। और ये देखो जितने जितने ये सब वो दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा कम बाल, तो वहीं पे मैं ज़्यादा लगा रही हूँ, और इसको जितना हो सकते ना मतलब जड़ में लगा के उसके बाद बाल में लगाएंगे तो ही फ़ायदा है। तो मैंने तो पहले जड़ में लगा लिया है, और पूरा सर का ऊपर लगा के उसके बाद मैं इसको बाल में लगाऊंगी। तो चलिए पहले लगा लेते हैं, तो और फिर लगा के। तो मैंने इस तरह से इसको रख दिया बंद करके, क्योंकि ना अगर इसको खोल के रख रही तो पानी गिरेगा और आँख में से ना पानी आ रहा है, क्योंकि प्याज है ना। तो इसको मैं थोड़ा रखूँगी आधा घंटा, उसके बाद धो के फिर मिलती हूँ आप सबसे। और ये प्याज इसलिए लगाया, क्यों लगाया बताऊँगी, क्योंकि अभी ना झाज आ रहा है तो आँख से वो नहीं हो रहा है, मतलब पानी आ रहा है। तो मैं बाद में आपको बाल धो के फ्रेश होके फिर आपको दिखाऊँगी। वैसे मैं खाली बाल ही धोऊँगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा से एक घंटा बाद धो लूँगी।
तो मैंने इसमें मिलाई थी जो प्याज, जैसे मेरा देख पा रहे हो ये थोड़ा सा ऐसे ही है क्योंकि मैं इस तरह से मांग निकालती हूँ तो इसलिए ऐसे हो गया है, बट मेरा ऐसा नहीं है। पर जैसे अगर होए, जैसे किसी का अगर हो, तो अगर प्याज के रस आपका लगेगा तो आपको बाल वहाँ पे आ जाएंगे। चाहे तो आप प्याज का रस लगा सकते हो और चाहे तो आप प्याज को बिल्कुल गाढ़ा करके पीस के लगा सकते हो। जैसे मैं बिल्कुल उसका फेंकती नहीं हूँ, गाढ़ा करके ही लगा लेती हूँ। और इसमें और भी बहुत कुछ मिला सकती थी पर नहीं मिलाया मैंने। पर और जो दही, जब दही हो लगाओगे आप सर में तो रूसी नहीं होगा, और जब आप रूसी नहीं होगा तो बाल नहीं टूटेगी, है ना। सबसे बड़ा रीज़न है जब आप दही लगाओगे तो बाल नहीं टूटेगी। और चाय पत्ती से क्या होगा, थोड़ा सा ये कलर हो जाएगा। अभी मेरा बाल है ना गीला है थोड़ा सा, तो इसलिए ऐसे लग रहा है। जब कलर हो जाएगा तो आप देख पाते हो मेरा बाल थोड़ा सा लाल टाइप में होता है। मैं कोई कलर नहीं लगाती हूँ, मेरा बाल वही चाय पत्ती का कलर है, वही उसी से ही मेरा बाल इस तरह से ब्राउन रहता है, थोड़ा ब्राउन कलर होता है। तो और ये मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि अभी बहुत सारे सीजन का टाइम हो गया है, तो अगर ये सब लगाएंगे थोड़ा सा सही रहेगा। और प्याज फिर मैं बाद में लगा नहीं पाती तो इसीलिए मैंने आज लगा लिया, क्योंकि फिर नवरत्न शुरू हो जाएगा तो नहीं लग पाएगा, इसलिए मैंने लगा लिया। कैसे लग रहा है ज़रूर बताना मुझे। ये थोड़ा सा सूखने के बाद ही मेरे को वो होगा, तो चलिए आप लोग लगा लें, लगाना। और एलोवेरा तो इतना अच्छा होता है, शाइनिंग होती है बाल का, सब जैसे शाइनिंग करेगा बाल में एलोवेरा को ही मैंने उसी में इसलिए पीस दिया था। तो ये सब तो मैंने लगा लिया, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसे हुआ है। तो फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना।